Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing good. आज हमारे साथ हैं पोलू, पोलू वही पुराने पोलू, अरे हमारे और मैं नवीन, शर्मिला मानुस नहीं इतना भी शर्माता भाई मैं लास्ट वीडियो में देख ही लिया उन्होंने, अब वो तो है। तो आज हम आए हैं चंडीगढ़ से थोड़ा बाहर पंचकुला, और भाई चुप कर दो यार, आज हम आए हैं चंडीगढ़ से थोड़ा बाहर, ज़्यादा नहीं, पंचकुला आए हैं, पंचकुला सेक्टर 7 की मार्केट में है। ये पीछे आप देख रहे हो ये सारा फूड हब है, यहाँ पे हम एक स्पेशल चीज़ खाने हैं जिसका नाम है पाव भाजी। पाव भाजी में क्या स्पेशल है आप वीडियो को एंड तक देखो, आपको पता लग जाएगा। तो चलो और दुकान पे चलते हैं। यहाँ प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, खाने हम पाव भाजी आए थे प्लान में, अभी थोड़ा चेंज है, खाने हम पाव भाजी आए थे पर अभी हम इडली वड़ा खा रहे हैं। ये इन दोनों की करम आता है, रूह का मन कर रहा था और इसे जिद मचा दी, ये है ही ऐसा, है ही ऐसा। सांभर वड़ा भी खा लिया, चलते हैं यार स्पेशल पाव भाजी खाने। आपको दिखाते हैं एक स्पेशल पाव भाजी जिसके अंदर पाव के अंदर आपको फिलिंग मिलेगी, और फिलिंग जो ओए होए 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 आपको जो दूसरी दुनिया का नज़ारा ही दिखा दे। यानी हमारे स्पेशल पाव बनाने शुरू कर दिए हैं और सबसे पहले इनके ऊपर आएगा बटर। देखो बटर ही बटर की, इतना ज़्यादा बटर, ओए होए होए मज़ा ही आ गया बटर देख के। थोड़ी देर इनको दोनों साइड से सेकेंगे ताकि ये दोनों साइड से कुरकुरा हो जाए। भैया आपका तो हमें पता नहीं पर हमें तो कुरकुरा पाव ही खाने में मज़ा आता है, वो पाव ही क्या जो कुरकुरा ना। कुरकुरे होने के बाद इसके ऊपर लगेगी मेयोनीज, ओए होए भैया मेयोनीज कितनी सारी लगा रहे हैं, मतलब देख के ही मजा आ गया। बल्ले बल्ले अंकल जी कौर लाता तुसी ता, ओए होए हुण ता मजा ही मजा आएगा। अब मेयोनीज के बाद इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी भाजी, क्योंकि भाजी इनकी देखने में बहुत स्वाद लग रही है, अगर स्वाद होगी तो पाव से भी वही स्वाद आएगा, मजा ही। अब भाजी के ऊपर आएगी ये प्याज और शिमला मिर्च की फिलिंग, ओए होए फिलिंग देखो, मतलब कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हैं ये, हर चीज ज्यादा ज्यादा डाल रहे हैं। फीलिंग का बात है यार, फीलिंग ही फीलिंग, देखो अब फीलिंग ही दिख रही है, भाजी तो कहीं दिख ही नहीं रही जो लगी थी। अब फीलिंग के बाद आ गई है इसके ऊपर इनकी हरी चटनी, स्पेशल हरी चटनी, इसका भी अलग ही स्वाद है भाई साहब। ये हो गए हैं हमारी फीलिंग कंप्लीट और तैयार हो गए हैं हमारे स्पेशल पाव, हमारे तैयार पाव डल गए प्लेट में। अब इसके बाद डलेगी थोड़ी सी भाजी, भाजी डलने के बाद इसमें डलेगा मक्खन, मक्खन डलने के बाद इसमें डलेंगे प्याज, प्याज के बाद हरी चटनी, हरी चटनी के बाद अपनी असली मेन चीज नींबू, जो 300 रुपए महंगे हो रखे हैं भैया डाल के दे रहे हैं, बताओ। नींबू डालने के बाद हमारी प्लेट हो गई यहाँ पे तैयार, अपनी पाव भाजी रेडी होकर आ गई है। ये देखो नवीन ने तो खोल भी दी, नवीन ने तो खोल भी दी है पाव, तेरे से बैठ नहीं हो भाई, खाना भी शुरू कर देते हैं। खाना ऐसे कैसे शुरू करेगा, पहले अपन खाएगा। तो देख ही सकते हैं यहाँ हमारी पाव भाजी आ गई यार, भाजी देखो कितनी रिचनेस, मतलब ठीक है एकदम पड़ी है। और ये हमारा पाव स्पेशल ये है, इसके अंदर देखो फीलिंग कितनी ही फीलिंग हो रखी है भाई साहब, इसमें बहुत कुछ डला हुआ है, इसको बोलते हैं मसाला पाव भाजी। अभी आपको रेडी वाले से भी मिलवाएंगे, चलो पहले खाते हैं फिर देखते हैं। तो ये हमने अपना पाव तोड़ा, ये देखो मतलब कितना ही मसाला भरा हुआ, देखो कितना ही मसाला। ये हमने ली पाव अपनी भाजी, स्वाद है स्वाद, जरूर ट्राई करो, बहुत स्वाद है। सेक्टर 7 पंचकुला मेन मार्केट, फूडी हब दुकान का नाम नहीं है, जगह को मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही कोई इसका नाम नहीं है, मेन मार्केट में आ जाओ। इन दोनों को भी एक बार खिला के देखते हैं, ध्रुव और राजू को ये वीडियो खिला के देखते हैं, वीडियो कट करिए। कैसी है? बढ़िया। चल ध्रुव हमारा क्रिटिक्स, चल नॉन वेज गाय विद वेज डिश, कैसी है कैसी है? हुनर हाट से स्वाद है? हाँ बहुत ज़्यादा। हुनर हाट से स्वाद है ना? बहुत ज़्यादा। वो बहुत स्पाइसी था ना? हुनर हाट बहुत स्पाइसी था। बहुत स्पाइसी था। ये बैलेंस्ड है और इसके अंदर बहुत बढ़िया फ्लेवर्स आ रहे हैं, ट्राई करो यार, बहुत मतलब ना आके इसके अंदर बहुत ही मतलब ये फीलिंग बहुत ठीक है, और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पाइसेस, बहुत ज्यादा स्पाइसेस, और ये भी नहीं है कि कुछ तीखा है या फीका है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। और साथ में जब ये पाव भाजी मिल जाती है, ओए होए होए फिर तो मजा ही मजा, साथ में प्याज, प्याज में नींबू, नींबू वो भी 300 रुपए किलो वाला।
जब पूछो यार नींबू की कीमत, हमें तो बहुत पसंद है नींबू, पर मिलता ही नहीं यार। नींबू पानी, नींबू पानी। पाव भाजी तो खा ली यार, बहुत स्वाद थी। क्यों भाई? बहुत ज्यादा वर्थ है, एक बार ट्राई करनी वर्थ है। जो चंडीगढ़ पंचकूला आसपास रहते हो ना सारे, एक बार आके जरूर ट्राई करो पंचकूला। साथ में बार बार कह रहा हूँ, पंचकूला 7 की मार्केट। ठीक है, अब मैं चलो आपको दुकान दिखाता हूँ जहाँ से हमने ये ली है। बे यार पाव भाजी बड़ी स्वाद थी यार। थैंक यू सर। और ये भी देखो ना, न्यूट्री कुलचा। ये अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, अगली बार के लिए रखेंगे। अपना एड्रेस तो बता दो, कहाँ पे है ये? पंचकूला, पंचकूला सेक्टर 7 फूड मार्केट। ये इसी बात के लिए सर बॉम्बे के लाजवाब रखा गया इसका नाम। वही ना, पूरी बॉम्बे वाली फीलिंग है।